नमस्कार, मैं मीना तुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम टू कंपोनेंट सिस्टम में हम लेड सिल्वर सिस्टम की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कर्व AO, कर्व OB, कर्व से घिरे क्षेत्र ACO, OBD, टी कर्व, TRM, इनकी स्टडी हम लोग कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे क्षैतिज रेखा CO CO D, इस लाइन के नीचे का जो क्षेत्र है उसकी आज हम स्टडी करेंगे। इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र है, इसके नीचे लिक्विड जो फेसेस हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, यानी इस क्षेत्र के नीचे केवल सॉलिड फेसेस ही रहती हैं। और सॉलिड कौन सी? सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर, दो दो फेसेस हैं यहाँ अस्तित्व में रहती हैं। ये दोनों ठोस दो आकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है। कौन कौन से? एक तो सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड के बड़े क्रिस्टल, तथा सॉलिड सिल्वर तथा लेड के बहुत छोटे क्रिस्टल, बहुत छोटे यानी चूर्ण के रूप में सिल्वर और लेड के इन छोटे क्रिस्टलों का जो मिश्रण होता है में रजत का जो परसेंटेज होती है वो होती है 2.6%। इसका एक निश्चित गलनांक होता है, 303 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेड होता है, लेड के बड़े क्रिस्टलों का जो गलनांक होता है वो होता है 327 डिग्री सेल्सियस, तथा जो सिल्वर के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक वो होता है 961 डिग्री सेल्सियस। इस क्षेत्र में चूंकि दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में होती हैं, कौन कौन सी? एक तो सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर, तो कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा C=2। तो तंत्र जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा? वो होगा एक चर तंत्र। यह केवल ताप, चर केवल ताप है एवं एक आइसोथर्मल फेसेस हैं जो कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कौन कौन सी हैं? KLM M के अनुसार हो रहा है। यदि हम इस पर ध्यान दें, K वाला जो पॉइंट है इस पर सॉलिड सीमा अस्तित्व में है, केवल सॉलिड ही होती हैं। यदि इसमें हम सिल्वर मिलाते हैं तो सॉलिड जो सिल्वर के साथ एक लिक्विड अस्तित्व में आ जाता है, और K से L की ओर बढ़ने पर, जैसे जैसे हम यहाँ से कैसे हम L की ओर बढ़ रहे हैं, सॉलिड लेड की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, और क्या हो जाएगा? लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। L पॉइंट पर सॉलिड लेड की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है। L से M का बीच का क्षेत्र है, इसमें केवल क्या होता है? केवल लिक्विड फेसेस का ही अस्तित्व रहता है, या हम कह सकते हैं कि सॉलिड लेड भी द्रव में चेंज हो जाता है। M पॉइंट पर यदि सॉलिड सिल्वर के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं, अर्थात सॉलिड सिल्वर व लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। अब जैसे जैसे हम M से N की ओर बढ़ेंगे,
बढ़ने पर लिक्विड की मात्रा कम हो जाती है और सॉलिड सिल्वर, क्योंकि यहाँ सॉलिड सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाती है, और बिंदु एन पर जाकर क्या रह जाता है, केवल सॉलिड सिल्वर ही रह जाता है, यहाँ पे लिक्विड फेसेस होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ये तो बात हो गई सी ओ डी के नीचे का क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं विरजितकरण या पैटिनस प्रक्रम। पैटिनस प्रक्रम के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा लेड से सिल्वर किस तरह से अलग करते हैं हम, उसके उसके समझाया गया। माना कि ये बिंदु क्या है, एक्स है। हम अलग कर रहे हैं एक्स बिंदु पर सिल्वर युक्त सीसे को द्रव अवस्था में प्रदर्शित करता है। एक्स बिंदु क्या होता है, वो होता है कि सिल्वर युक्त लेड को लिक्विड फेस में शो करता है, जिसमें क्या होता है, रजत का अनुपात, वो उसका अनुपात बहुत कम रह जाता है। कितना रह जाता है, 0.25% रह जाता है। जैसे जैसे हम इसे ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर हम लोग वाइप की ओर आते हैं, तो यह वाई बिंदु पर आता है, अतः ठोस सी से द्रव से पृथक होने लगता है और ये कर्व ए ओ के सहारे बढ़ने लगता है, ए ओ के सहारे बढ़ने लगता है। अर्थात क्या होता है, इस पॉइंट पर द्रव प्रावस्था में रजत का अनुपात बढ़ने लगता है और बिंदु ओ पर द्रव प्रावस्था में सिल्वर का जो अनुपात है वो क्या रह जाता है, 2.6% रह जाता है। तो इस प्रकार जो सिल्वर युक्त लेड में सिल्वर का परसेंटेज है वो 0.25% से बढ़कर कितना हो जाता है, 2.6% तक बढ़ जाता है। अब लेड और सिल्वर जो सिस्टम होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता कौन कौन सी होती हैं, साम्य में उपस्थित प्रावस्था, प्रावस्था आरेख में स्थिति और उसकी स्वतंत्रता की कोटि। तो जब एक प्रावस्था साम्य है, यानी एक कंपोनेंट है लिक्विड, तो प्रावस्था आरेख में उसकी स्थिति है वक्र ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र। अगर हम इसके फॉर्मूले में रखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि की जो वैल्यू आती है वो होती है 2। अब हम बात करते हैं दो प्रावस्था साम्य, यहाँ लेड सॉलिड भी है और सिल्वर लिक्विड भी है। प्रावस्था आरेख की स्थिति में है कर्व ए ओ, क्षेत्र ए सी ओ, कर्व बी ओ तथा क्षेत्र बी डी ओ और क्षैतिज रेखा सी ओ डी के नीचे का क्षेत्र। जब इसे फॉर्मूले में रखते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है हमारा ए। जब तीन फेसेस होते हैं, सिल्वर सॉलिड, लेड सॉलिड और लिक्विड, दोनों लिक्विड, तो वो प्रावस्था आरेख में स्थिति इसकी है, बिंदु ओ गलन क्रांतिक बिंदु, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा उसका 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि प्रावस्था साम्य एक है कंपोनेंट तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, प्रावस्था साम्य 2 हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और अगर प्रावस्था साम्य 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, जो कि अचर तंत्र है। थैंक यू।